Assalamu alaikum to my all dear class 6. I hope you must be in good health. Welcome to your English lecture. Students, uh, today we are going to do the exercise from your gra grammar part lesson number 7, which is the simple present and simple past tenses. In this lesson, you are going to do the exercise which you have done in your translation of simple past tense and simple present tense. ओके लेट्स द सिंपल is इज़ to टू रेफर टू एक्शंस और which are आर ट्रू एट द moment. मोमेंट present tense में हम अपने उन एक्शंस के बारे में बात करते हैं जो at द प्रेजेंट मोमेंट ट्रू होते हैं जैसा कि हम सुबह स्कूल जाते हैं बच्चे जमात में पढ़ते हैं मेरी अम्मी खाना पकाती हैं अब ये वो काम है जो हम अपने प्रेजेंट मोमेंट में करते हैं एग्जांपल्स देख लें द दे वर्क सिक्स डेज आ वीक के वो हफ्ते में छः दिन काम करते हैं ही इज़ आ स्टूडेंट वो तालब इम है अब यहाँ पर वर्क और इस जो है ये हमारे एक्शन वर्कस को शो करे वर्क एक्शन वर्क को शो करे और इज जो है वो हेल्पिंग वर्क कहलाता है जो हम एक्शन वर्क को शो करने के लिए लगाते हैं ठीक है जिससे हमें पता चलता है कि हमें अपने एक्शन जो है वो हमने किया है इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब हैबिचुअल एक्शंस और दोस्ट विच टेक प्लेस फेयरली रेगुलरली इसके अलावा ये हमारे हैबिचुअल एक्शंस को डिस्क्राइब करता है और उन एक्शंस को डिस्क्राइब करता है जो हम अपने रेगुलर का बेसिस पे करते हैं जैसे कि एग्जाम्पल्स देख लें द ट्रेन लीव्स एट नाइन a.m. एम एवरी He ही ड्राइव्स टू वॉक यहाँ पर लीव्स एंड ड्राइव्स जो हैं वो हमारे हैबिचुअल एक्शंस को डिफाइन करा है ठीक है नॉन इट इज़ ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ इसके अलावा ये यूनिवर्सल ट्रुथ को एक्सप्रेस करने के लिए भी बयान करते हैं जैसा कि सूरज मगरब में गरूब होता है अब ये यूनिवर्सल ट्रुथ है ठीक है इसके अलावा फैक्ट्स और आइडियाज़ विच आर ट्रू और बिलीव टू बी ट्रू फॉर ऑल टाइम तो हम इन चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए भी अपने सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं एग्जांपल्स देख लें लिविंग थिंग्स नीड वाटर जिंदा चीज़ों को पानी की जरूरत होती है ड्राई वुड बर्न्स ईजीली खुश्क लकड़ी आराम से जल जाती है ठीक है जी द नेक्स्ट वन इज़ कॉल्ड द सिंपल पास टेंस विच इज़ यूज टू एक्सप्रेस एक्शंस और स्टेट विच टू प्लेस और एग्जिस्टेड एट टाइम इन द पास्ट हम पास उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमने अपने एक्शंस के बारे में बताना हो जो हमने अपने माजी में कर लिए ठीक है ना जैसे मैं कह सकती हूँ कि मैंने काम किया बच्चों ने पढ़ा उस्ताद ने पढ़ाया अब ये वो काम है जो हमने अपने माजी में किए ठीक है यूजली अ वर्ड ऑफ फ्रेज रेफरिंग टू द पास टाइम इज़ एडेड बट दिस इज़ नॉट एसेंशियल एग्जाम्पल्स देख लें आप द मैन वॉज एक्टिव इन स्पोर्ट्स इन इज यूथ there were fewer vehicles on the road a few years ago the principal made a speech at the assembly abhismedeke first one may was a second one were ye donatalik form in any was and were are used when we have to talk about The actions which we have done in past tense was and were का इस्तेमाल तब किया जाता है जब हम अपने actions के बारे में बात करें जो हमने अपने माजी में कर लिए ठीक है थीके? जैसे बच्चों ने काम बच्चे काम कर रहे थे उस साथ हमें पढ़ा रहे थे ये वो वाला काम है जो माजी में हमने कर किया ठीक है थर्ड सेंटेंस में आप देखें दे अटैलिक फॉर्म में एक वर्ड लिखा हुआ है मेट यानी जब आपने अपना पास टेंस बनाना हो तो हम अपने पास टेंस में सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब को इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो पास टेंस बन जाएगा ठीक है इट्स अब नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट्स एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक इन ईच सेंटेंस विद द सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स आपको ब्रैकेट्स में वर्ब दी गई हैं और आपने उनको सही वर्ब का इस्तेमाल करना है ब्लैंक्स में

जी लुक एट योर फर्स्ट एक्सरसाइज फ़िश डैश इन वाटर यहाँ पे फिश जो है वो प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल हुआ है तो यहाँ पे जब आप प्लूरल फॉर्म आप याद रखें स्टूडेंट जब भी आपका सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में हो तो हमेशा हमने सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है यानी कि विदाउट एस और ई एस वाले हमने वर्ब लगानी है ठीक है तो यहाँ पे फिश जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है इसलिए हम यहाँ लिव लिखेंगे नेक्स्ट द स्टूडेंट्स डैश अ बुक एवरी वीक अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दी स्टूडेंट्स ज़्यादा चीज़ ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं यानी कि जब नाउन ज़्यादा हो जाए तो हमने एक्शन वर्ड सिंगुलर यूज़ करना है तो यहाँ पर हम रीड ही लिखेंगे द स्टूडेंट्स रीड अ बुक एवरी वीक थर्ड सेंटेंस देखें द लाइब्रेरी डैश बी एयर कंडीशनड यहाँ पर लाइब्रेरी के साथ अगर आप ब्लैंक में देख रहे हैं तो बी लिखा हुआ है याद रखें स्टूडेंट्स अगर ब्लैंक में बी है और वो प्रेजेंट टेंस में शुमार है यानी ये प्रेजेंट टेंस है तो बी विल चेंज इन टू इज़ एम और आर ये अब हम हमने अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चूज़ करना है कि अगर यहाँ पे ज़्यादा लोग हैं तो फिर हम आर का इस्तेमाल करेंगे अगर सिंगुलर है तो हम इज़ यहाँ पे लाइब्रेरी है लाइब्रेरी सिंगुलर है और बी लिखा हुआ है तो इसका मतलब है यहाँ पे हम लिखेंगे द लाइब्रेरी इज़ एयर कंडीशन ठीक है क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है सिंपल पास्ट टेंस नहीं है ओके द लाइब्रेरी इज़ एयर कंडीशन नेक्स्ट देखें शी यूजअली डैश अ बस टू वर्क तो यहाँ पे हम टेक्स लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट एक है शी है एक की बात हो रही है तो यहाँ हम प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करें शी यूजअली टेक्स अ बस टू वर्क नेक्स्ट देखें स्काउट्स स्काउट्स यहाँ पे ज़्यादा हैं तो हमने सिंगुलर एक्शन वर्ड यूज़ करना है यानी हम लिखेंगे स्काउट्स लर्न टू लिव एन एक्शन एक्टिव एंड यूजफुल लाइफ ठीक है स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखें सैवल स्कूल्स अब यहाँ पे सैवरल स्कूल्स हैं यानी कि ज़्यादा चीज़ें हैं तो फिर हम यहाँ पे इंटेंट का इस्तेमाल करेंगे यानी सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे जब सब्जेक्ट ज़्यादा हो तो सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल सो सेंटेंस वुड बी लाइक दिस सैरल स्कूल्स इंटेंट टू टेक पार्ट इन द एनवल स्विमिंग कार्निवल नेक्स्ट देखें मिस थॉमसन नाओ मिस थामसन इज सिंगुलर तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम एक्शन वर्ड में एस आर -E -E कर ई एस का इस्तेमाल करेंगे यानी इसको प्लूरल फॉर्म में तब्दील कर देंगे सो सेंटेंस वुड बी लाइक दिस मिस थम्सन कन्डक्ट्स द स्कूल बैन कंड के साथ एस लगा कर उसको प्लूरल में चेंज कर देंगे नेक्स्ट देखें द टीचर्स अब यहाँ ऑलरेडी टीचर्स है तो इट मीनस कि हमने यहाँ पर अपना सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ड इस्तेमाल करना है द टीचर्स इंकरेज द स्टूडेंट्स टू स्टडी हार्ड ओके नेक्स्ट देखें अपोस मैन पोस्ट मैन इज अंगलर सिंगलर सब्जेक्ट है तो यू आर गोइंग टू यूज़ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब यानी डिलीवर को हम डिलीवर्स में तब्दील कर देंगे द पोस्ट अपोस मैन डिलीवर्स लेटर्स नेक्स्ट देखें द लास्ट वन ऑफ द ऑफ दिस एक्सरसाइज दिस क्लब अब ओबियसली दिस है और क्लब कोई आपको ऐसा ही नज़र आ रहा है ये सिंगुलर है तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर अब यहाँ पे तो हैव है क्या करेंगे हम याद रखें स्टूडेंट्स हैज़ जो है वो हम सिंगुलर के लिए इस्तेमाल करते हैं और हैव जो है वो हम प्लूरल फॉर्म ऑफ प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो ओबियसली यहाँ पे एक ही है तो हम दिस क्लब हैज़ मैनी मेम्बर्स इस्तेमाल करेंगे ठीक है स्टूडेंट्स सो यू हैव टू राइट इट करेक्टली ओके ना

पूरा लिखेंगे नेक्स्ट है देखें ही डैश बी अ गुड स्टूडेंट इन स्कूल अब यहाँ पे बी आ रहा है तो याद रखें स्टूडेंट अगर पास्ट टेंस में बी लिखा हुआ आ रहा होगा तो इसका मतलब है आपने वॉज या वर लगाना है इज एम आर नहीं लगाना इज एम आर तब लगाते हैं जब सिंपल प्रेजेंट टेंस हो यहाँ पे हम पास टेंस की बात करें तो बी विल चेंज इन टू या वर ही है तो ऑबियसली हम इसके साथ वॉज लगाएंगे He was a good student in school. Next they came the minister. Speak. Speak second form is spoke. Spoke at the meeting. S P O K E spoke. Next, the family moved to our new flat last month. Move Kesataphilaga de simple. The tourist arrived by air. He painted the picture. We took many photographs of the city. Took spelling T double O K took. Everyone heard the good news. H E A R D heard the good news. Mary felt very tired after the long walk. Felt F E L T felt. The last one. She brought her pet to school. Bring second form is brought. B R O U G H T. Okay students. जी नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द थर्ड एक्सरसाइज इन दिस एक्सरसाइज यू आर गोइंग टू राइट डाउन दी सिंपल प्रेजेंट टेंस और द सिंपल पास्ट टेंस विच एवर इज करेक्ट अब ये कैसे हमें पता चलेगा अब हमने सेंटेंस की सेंस देखनी है कि किस सेंटेंस में हमारे पास्ट फॉर्म में बात की जा रही है और किस सेंटेंस में प्रेजेंट मोमेंट की बात की जा रही है तो उसके अकॉर्डिंग हमने सिंपल पास्ट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करना है ठीक है देखें द फर्स्ट सेंटेंस द ऑडियंस डैश वन ही फिनिश्ड हिज सॉन्ग अब यहाँ गौर करें ये पास्ट फॉर्म में बयान किया जा रहा है सेंटेंस फिनिश्ड फिनिश्ड जो है वो सेकेंड फॉर्म है तो इसका मतलब है कि यहाँ हम सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएँगे अपलॉडिड अपलॉड लिख के उसके साथ अपने ई डी का इजाफा करते हैं नेक्स्ट देखिए ट्रैफिक डैश स्लोली एट पी कार्स अब ये वो काम हैं जो आप जिनको हम कह सकते हैं कि ये हमारे आ, रेगुलर बेसिस के काम है ये हमारा प्रेजेंट टेंस है ठीक है कि ट्रैफिक मूव्स स्लोली एट पीक कार्स ओके नेक्स्ट देखिए द स्टूडेंट्स विजिट दिस लाइब्रेरी फ्रीक्वेंटली अब यहाँ पे भी ये हमने किस अब किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे भी हम बात करेंगे ये भी प्रेजेंट टेंस को रेफ़र कर रहा है तो यहाँ पे हम स्टूडेंट विजिट लिखेंगे ओनली विजिट क्योंकि स्टूडेंट्स ऑलरेडी प्लोरल फॉर्म है तो हम विजिट दिस लाइब्रेरी फ्रीक्वेंटली फ्रीक्वेंटली की वजह से हमने ये जाना कि ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट टेंस को शो कर रहा है नेक्स्ट देखें नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा ही ट्रेवल बाय बस बिफोर ही हिज कार अब यहाँ पे हम ओबियसली uh, अगर आप गौर करें तो यहाँ पे बॉट है तो बॉट इज़ अ सेकेंड फॉर्म तो इट मीनस कि यहाँ पे हम अपना सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे ही ट्रेवल्ड बाय बस बिफोर ही बॉट हिज कार ठीक है नेक्स्ट स्टूडेंट्स देख रहे प्लांट्स प्लाट्स डैश वेल इन फर्टाइल ऑयल अब ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट टेंस को शो कर रहा है कि पौधे जो हैं जख़ैर ज़मीन में अच्छे उगते हैं तो यहाँ पे हम ग्रो लिखेंगे क्योंकि प्लांट्स ऑलरेडी इन प्रोअर फॉर्म है अब नेक्स्ट सेंटेंस ये है यहाँ पे अगर आप गौर करें दे डैश अ न्यू हाउस लास्ट ईयर लास्ट ईयर रेफर्स टू पास्ट टाइम तो इसलिए यहाँ पे हम बॉट लिखेंगे बी ओ यू जी एच टी बॉट अ न्यू हाउस लास्ट ईयर ओके जी द नेक्स्ट ही डैश फॉर्मली आ क्लर्क इन दिस फॉर्म अब यहाँ पे बी है लेकिन पहले हमने आइडेंटिफाई अदे, करना है कि ये कौन सा से सेंटेंस है फॉर्मली कहते हैं साबका को तो इस मीन्स कि ये हमारा पास्ट फॉर्म ऑफ टेंस है तो यहाँ पे हम ही वॉज अ अर्क इन दिस फॉर्म ठीक है वो था नेक्स्ट देखें गुड फूड डैश इम्पॉर्टेंट फॉर हेल्थ अब ये हमारे यूनिवर्सल ट्रुथ्स हैं तो ऑबियसली यूनिवर्सल ट्रुथ सिंपल पास्ट प्रजेंटेंस को रेफर करते हैं तो यहाँ पे हम गुड फूड इज इम्पोर्टेंट फॉर हेल्थ ही आएगा ओके जी सेकेंड लास्ट इज डैश बाय मैनी फिश ड्यूरिंग हिज लास्ट वकेशन तो अब लास्ट वेकेशन जो है वो ऑब्वियसली पास्ट टाइम को शो कर रहा है तो हम यहाँ पे कैच की सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे ही कॉट मैनी फिश ड्यूरिंग हिज लास्ट वेकेशन सी ए यू जी एच टी कॉट ओके दी द लास्ट वन इज केयरलेस पीपल डैश ट्रबल अपॉन दैमसेल्व अब ये हमारे हैबिचुअल एक्शंस को डिफाइन कर रहा है सो हैबिचुअल एक्शंस जो है वो हम अपने प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर हम ब्रिंग्स केयरलेस पीपल ब्रिंग्स Trouble upon themselves. TK students, okay. So this is it for today. Inshallah, we will come for the next uh, um, lecture. Till then, Allah Hafiz, everyone.